मिर्ची बॉलीवुड। अच्छा तो मॉली हमें नजर आ रही है, यूजली नंदिनी एडवाइस देती है मॉली को, आज मॉली एडवाइस दे रही है, वो भी बहुत डीप एडवाइस दे रही है कि डिवोर्स ले लो। क्या रिएक्शन था नंदिनी का? एक्चुअली मॉली ही ज़्यादा एडवाइस देती है, मॉली बहुत सबको ही एडवाइस देती रहती है, एंड आई थिंक दैट्स अ कैरेक्टर दैट वो चाहती है कि सब सबके साथ अच्छा ही हो, इन अ वेरी शी इज़ अ वेरी वेरी एज अ पर्सन शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन कैरेक्टर मॉली। सो वो चाहती है, उसको पता है कि इन लोग की ये कभी राजदीप के साथ खुश नहीं रह पाएगी नंदिनी, और उसने तो उसकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, बिकॉज शी नोज़ मॉली नोज़ नंदिनी बचपन से, तो उसको पता है कि वो कितनी अलग हो गई है जो पहले थी, जो लाइफ थी उसमें वो नहीं। सो वही उसको सजेस्ट करती है, काफ़ी टाइम सजेस्ट कर रही है कि तुम डिवोर्स ले लो, फाइनली नंदिनी ने मान लिया है, और मॉली जो है ऑन बिहाफ ऑफ नंदिनी लॉयर को लेके उसके घर भी जाती है राजदीप के। ओके, तो वो खुशी का मोमेंट है मॉली के लिए कि फाइनली अब मेरी फ्रेंड को छुटकारा मिलेगा राजदीप। आई नो, एक बार मतलब वो साइन करके दे दे और एक्चुअली डिवोर्स हो जाए तब आई थिंक मॉली विल फील लाइक दैट। अभी तक तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो ही रहा है कि व्हाट विल हैपन। बट डू यू थिंक राजदीप इतना इजीली जाने देगा नंदिनी को अपनी लाइफ से? So let's see, that I also don't know at the moment, but definitely getting a divorce from Rajdeep थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल की अगर बात करें देन शो के लिए भी काफ़ी यू नो टीआरपी हाई हो रही है, कल भी टीआरपी है, क्या कहना चाहेंगे? I think as an actor, I really don't think about success or failure or even TRPs. I think वो हमारे control में नहीं है, हम जो कर सकते हैं हम अपना काम करते हैं, चाहे TRP अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है, हम तो वी ट्राई एंड गिव इन 100% एवरीबडी ऑन द सेट। आई थिंक वो तो मतलब किस्मत अच्छी होती है, आई थिंक भगवान का हाथ होता है, हमारी TRPs अच्छी आ जाती हैं, कभी कभी कुछ डाउनफॉल भी हो जाता है, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ इट। जाते जाते मौली से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या होगा जब सिलसिला में कुणाल और नंदिनी पास आ रही है, क्या होगा जब मौली? सी मौली इज़ वेरी वेरी अनअवेयर ऑफ इट, सो एज अ कैरेक्टर आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी। एट दिस मोमेंट आई फील वेरी सेफ एंड सिक्योर, मुझे नहीं पता कि कुणाल के दिमाग में क्या चल रहा है। सो जो ऑडियंस देख रही है मुझे तो उससे कम ही पता है एक्चुअली। थैंक यू।